वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में क्या क्या आता है, जैसे सभ्यताएं हो गई, तो सभ्यता के बारे में जानेंगे। जैसे कालीबंगा सभ्यता हो गई, आहर सभ्यता हो गई, गणेश्वर सभ्यता हो गई, वो सारी चीज़ें। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो तीन भाग, तो वो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक जो काल है उसके अंदर अपन को जो लिखित साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते हैं। जो लिखित साक्ष्य हैं प्रागैतिहासिक काल के अंदर वो अपन को नहीं मिलते हैं, और मानव की उत्पत्ति इसी काल के अंदर मानी जाती है। ठीक है, मानव की जो उत्पत्ति है वो इसी काल के अंदर मानी जाती है। मतलब जो मानव है वो बंदर से इंसान इसी काल में माना जाता है कि बंदर से इंसान वो बन गया था। फिर आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंदर अपन को लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले तो हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। और इंडिया से बाहर जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो चीन की सभ्यता है, तो ये सारी जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता है उसके उदाहरण है। तो इनकी जो लिपि है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? वो लिपि है सर्पिला काल लिपि, या उसी को गोमूत्र लिपि के नाम से जानते हैं, और उसी को बुस्तोभेदन लिपि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया नहीं कि लिपि कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिर्फ सिंपल आपको ये इतना याद रखना है कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो अपन पढ़ते हैं प्राचीन, मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, इसके अंदर अपन को लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और जो पढ़े जा चुके हैं, मतलब अपन को जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो भी, और इनको पढ़ा भी जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस सभी के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ठीक है, फिर कालीबंगा सभ्यता। इस सभ्यता के अंदर अपन देखेंगे ये कहां विकसित हुई है सभ्यता, तो ये गंगा नदी के किनारे विकसित हुई है, और गंगा नदी को ही दूसरे नाम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, उसी को द्वेष नदी और उसी को मृत नदी और उसी को नट नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे जो कालीबंगा सभ्यता है वो गंगा नदी को ही सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी को ही द्वेषवती नदी, द्वेषवती नदी को ही मृत नदी, और मृत नदी को ही नट नदी के नाम से जानते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमान, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है उसके अंदर, वहां पर ये इसकी अवस्थित थी, वहां पर ये खोजी गई, और इसी का ही अन्य नाम पीलीबंगा सभ्यता भी है। क्या है? पीलीबंगा सभ्यता। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका अन्य नाम क्या है, तो पीलीबंगा सभ्यता है। कहाँ पर विकसित होती है ये? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर। इसकी सर्वप्रथम अगर किसने प्राथमिक अगर जानकारी अगर किसी इंसान से मिलती है, इतिहासकार से मिलती है, तो वो कौन देता है? डॉक्टर लुईस पी तेसी त्योरी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता की अगर कोई सर्वप्रथम जानकारी देता है तो डॉक्टर लुईस पी तेसी त्योरी है। अब ये देखेंगे कि इसके जो प्रथम खोजकर्ता हैं, अब ये लुई पी जो तेसी त्योरी थे, वो इनको चारण साहित्य लिखने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। किसके द्वारा? जो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, उनके द्वारा इनको चारण साहित्य के लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर इन्होंने ही क्या किया, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम प्रमाणिक जानकारी दी। अब कालीबंगा सभ्यता के सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो वो थे अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 के अंदर कालीबंगा सभ्यता को खोज निकाला। अमलानंद घोष के बाद अगर किसी ने इस सभ्यता के बारे में और विशेष जानकारी अगर प्राप्त की है तो वो 1961 से 69 तक ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापड़ ने इकट्ठे की है। ब्रजवासी लाल को अन्य नाम जैसे बीवी लाल, और बाल कृष्ण थापर को बी के थापर के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि ये तो चलो इसका कालखंड भी हो गया। ठीक है, हमने देख लिया कि ये कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे ये विकसित होती है, क्योंकि कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित होती है, क्योंकि पानी
व्यापार का भी स्रोत है और सारी जीवन यापन करने के लिए भी स्रोत है, खेती के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो पीने के पानी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हैं। तो पानी ही सर्वप्रथम आधार बनता था किसी भी सभ्यता के विकसित होने का। फिर है जो कालीबंगा सभ्यता है, उसका जो काल और समय है वो क्या है, वो कार्बन सी पद्धति के अनुसार 2850 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसका जो काल और समय है वो कार्बन सी पद्धति से अपन पता लगाते हैं कि इसका 2850 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय है, मतलब इस समय के अंतराल के अंदर ये मौजूद रही होगी। तो ये अपन अंदाजा लगाते हैं किससे, कार्बन सी पद्धति से। और कार्बन सी पद्धति क्या है, किसी भी जो अपन को साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, उन साक्ष्यों के आधार पर इस पद्धति का उपयोग करते हुए हम उसकी समय गणना निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। जैसे ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्य के सर्वाधिक उपकरण मिलने के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के पश्चात किया गया था। ठीक है, यह पहला भारत का पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता मिलने के बाद किया गया था, मतलब 1947 के बाद किया गया था। तो इसका जो उत्खनन है वो कब किया गया, अपने क्या देखा, 1952 के अंदर किया, किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसको स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल माना जाता है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। यहां पर एक कालीबंगा संग्रहालय भी बनाया गया है, कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर ही। कब बनाया गया, 1985-86 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो हनुमानगढ़ के अंदर है, क्योंकि हनुमानगढ़ के ये विकसित हुई थी, तो वही इसका संग्रहालय भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषताओं में हम देखेंगे कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहां पर अपन को क्या क्या मिलता है। तो वहां पर जो सड़कें मिलती है वो समकोण पर काटने वाली सड़कें मिलती हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे समकोण पर काटने वाली वहां पर सड़कें मिलती है, मतलब ये ग्रिड पद्धति है। कौन सी पद्धति है, ग्रिड पद्धति। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप कैमरा चालू करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है ग्रिड का, तो ऐसे उसमें लाइनें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसी को ग्रिड पद्धति कहते हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहां पर जो मकान बनाने की जो पद्धति है, ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड, उसको कौन सी पद्धति कहा जाता है, जैसे ऑक्सफोर्ड पद्धति होगी, जाल पद्धति होगी, ग्रिक पद्धति होगी, चेम्सफोर्ड पद्धति होगी। तो ये मकान बनाने की प्रमुख पद्धतियां हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। मकान वहां पर कच्ची ईंटों से बने हैं, जो कालीबंगा सभ्यता है, तो वहां के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी ईंटों से बने, कच्ची ईंटों से बने। ईंटों का साइज क्या होता है, तो ईंटों का साइज है 1:2:4। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि 6, 12 और 24, ऐसा, तो ऐसा क्या अनुपात है, 7.5, 15 और 30, मतलब 1:2:4 में ईंटों की साइज वहां पर देखने को अपन को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भवन के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुले हैं, क्योंकि भवन के जो दरवाजे हैं उनको रोड पे ना खोला गया सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए जो भवन के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खोले गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी और काष्ठ की बनी हुई वहां पर नालियां हैं, जो नालियां हैं जिसके अंदर गंदा पानी या वर्षा का पानी जो बहकर निकलेगा, ठीक है, तो वो जो नालियां बनी हुई है वो लकड़ी या काष्ठ की बनी हुई है। दीनहीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि वहां पर दीनहीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे नालियां वगैरह जो बनी हुई है वो लकड़ी की है। ठीक है, और अलंकरण हम उनको नहीं मिलता है किसी भी तरह का, तो इस तरीके से इसको दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा क्या है, नेक्स्ट है विश्व के प्राचीनतम जूते, जूते हुए खेतों के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। खेत, जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है, तो खेत के अंदर हल के निशान मिलते हैं, जूते हुए खेत के निशान मिलते हैं, मतलब अगर जूते हुए खेत के निशान मिले हैं तो मतलब खेती भी होती थी। ठीक है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर कृषि होती थी, क्या होती थी, कृषि होती थी, तो लगभग ये मतलब खाने योग्य अनाज वो पैदा कर लेते थे। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, प्राचीनतम भूकंप। अब भूकंप में क्या होता है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलती है, और हिलने के कारण जो भी स्ट्रक्चर बने होते हैं मानव निर्मित, उनके अंदर दरारें आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहां के जो मकान है उनके अंदर, भवनों की जो दीवारें हैं उनमें दरारें आ रखी है, तो इसलिए अपन को यह पता चलता है कि वहां पर भूकंप आया होगा, तभी तो दरारें पड़ी मकानों के अंदर। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर एक साथ दो फसल बोने का जो साक्ष्य मिला है वो भी कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। ठीक
ठीक है, एक साथ दो फसल बोने के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। अब वो दो फसल कौन से हैं, एक तो जौ है और एक है गेहूं। ठीक है, एक तो कौन सी है, एक तो जौ है और दूसरा है गेहूं, और दोनों के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं, और दोनों एक साथ बोने, वो दोनों फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य मिलते हैं। क्या? एक साथ बोने के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निवेदिकाएं भी मिलती है वहां से। अग्निवेदिकाएं मिलने का तात्पर्य यह है कि बलि जैसी जो प्रथा है वो वहां रही होगी, तभी तो अग्निवेदिकाएं रही। अग्निवेदिकाएं हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जब हवन वगैरह होता है तो ऐसी वेदिका बनाई जाती है, ठीक है, और इसमें आग जली होती है ऐसे। तो इन वेदिकाओं का मिलना कालीबंगा सभ्यता के अंदर कहीं ना कहीं बलि प्रथा का प्रमाण देता है, ठीक है, तो यह आप ध्यान रख सकते हैं। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता के अंदर प्रिय जानवर, प्रिय मतलब बहुत ही प्रिय जानवर, जैसे आज आजकल क्या होता है, जो बड़े बड़े घरों के अंदर जो डॉग होते हैं उनको, जो आम आदमी होता है उसे कहीं ज्यादा रॉयल लाइफ जीने का, मतलब रॉयल लाइफ मिलती है उनको, तो वैसे ही जो डॉग था वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी प्रिय जानवर हुआ करता था, और जो कैमल था, ऊंट था, उसके भी जानकार वो, जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो ऊंट के जानकार भी थे। यह नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगरीय सभ्यता कैसे कि जो मकान बने हुए थे वो एक पैटर्न में बने हुए थे और सबकी डिजाइन सेम थी, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो यहाँ की जो सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता को सूचित करती है। विश्व में प्राचीनतम नगरीय प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। मूर्ति देवी और देवता के पूजन और चित्रांकन का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है, हालांकि यहाँ पर अग्निवेदिका मिलता है, तो इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती होगी, जब हवन भी होता होगा तो भगवान को भी मानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति, देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं मिलती, ना कोई पूजन सामग्री मिलती है, ना ही किसी प्रकार के देवी देवताओं का चित्रांकन मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, हमने देखा कालीबंगा सभ्यता के बारे में, जो सारी चीज़ हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में देख लिया कि ये कहाँ विकसित हुई थी है, ठीक है, किसने इसकी जानकारी दी, ठीक है, इसका कालखंड क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इसके अंदर कि समाधि प्रथा किस प्रकार थी, जब इंसान मर जाता है, ठीक है, जिसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो कालीबंगा के अंदर जो समाधि प्रथा अपन को मिलती है वो तीन प्रकार की मिलती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की देखने को मिलती है। तीन प्रकार कौन कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। तीन प्रकार में, जैसे सबसे पहला तो जो मृतक का अंतिम संस्कार होता है वो तीन प्रकार का था, ठीक है। तीन प्रकार में सबसे पहला तो अंडाकार समाधि। तो अंडाकार में क्या करते थे कि जैसे ये कोई इंसान मर गया, तो कोई इंसान मर गया तो उसके पैर तो दक्षिण की तरफ कर देते थे और जो सिर था वो उत्तर की तरफ कर देते थे और मुंह रखते थे ऊपर की तरफ। तो ये हो गई अंडाकार पद्धति। सेकेंड पद्धति में क्या करते थे, एक गड्ढा खोदते थे और गड्ढे खोद कर एक किसी मटकी वगैरह में रख कर उसको समेट कर रख देते थे, गड्ढे के अंदर समेट कर किसी इंसान को रख देते थे, तो उसको समेट कर रखने वाली पद्धति कहा गया। तीसरी जो पद्धति थी उसके अंदर कोई इंसान मर जाता था तो उसके किसी प्रिय जानवर को या फिर खाद्य सामग्री उसके साथ दफना देते थे। खाद्य सामग्री, आभूषण, कुत्ते की हड्डियां अपन को मिली है कालीबंगा सभ्यता से, तो ये इससे ये प्रमाण मिलता है अपन को कि वहां पर तीन प्रकार की थी पद्धतियां। एक तो थी अंडाकार समाधि, ठीक है, एक समेट कर रखते थे, और एक जिसके अंदर खाद्य सामग्री, आभूषण और कुत्ते की हड्डियां जैसे प्रिय जानवरों के साथ उनको दफनाया जाता था। फिर जो नेक्स्ट है वो है कि वहां से अपन को किस प्रकार का चिन्ह मिलता है, तो वहां से स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। तो ये मांगलिक कार्यों के अंदर आपने देखा होगा, घरों के अंदर जो बुआ वगैरह और बुआ भतीजियां वगैरह होती हैं वो मांगलिक कार्यों के अंदर साते और छाबड़ी जैसे बनाती है, तो वैसे ही इस जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है उसका प्रमाण देखने को मिलता है कहां पर, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अब कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या होता है, एक और सभ्यता होती है उसके समकालीन, कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये अपन कैसे कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के ही ये समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि दोनों जगह से बेलनाकार बर्तन मिले, कौन से, किस तरीके के बर्तन मिले, बेलनाकार बर्तन मिले हैं जो मेसोपोटामिया से भी मिले हैं और कालीबंगा सभ्यता से भी मिले। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन सभ्यताएं थी। नेक्स्ट है कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ कालीबंगा में देखने को मिलते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं, उसका क्या कारण है। तो उसका कारण यह है कि यहाँ पर अपन को एक खोपड़ी मिली है, मानव खोपड़ी मिली है जिसके अंदर छह प्रकार के छिद्र देखने को मिलते हैं। अगर कोई हथियार
अगर ऐसा कुछ होता जिससे कि सर पे मारा गया, लेकिन छह प्रकार के छिद्र देखने को मिले अगर कोई हथियार वगैरह से मारा जाता तो, एक होता, दो होता, तीन होता, लेकिन छह प्रकार के छिद्र देखने को मिले हैं, तो उससे ये अपन को ये पता चलता है कि शल्य चिकित्सा वहां पर होती होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रमाण अपन को देखने को मिलता है सिक्के। ठीक है, तो सिक्के पर स्त्री और देवी के चित्रण अपन को मिलता है, और चीता और व्याघ्र का चित्रण भी सिक्के के ऊपर देखने को मिलता है। तो इससे अपन को यह पता चलता है कि सिक्के के ऊपर अगर स्त्री और देवी का अगर चित्रण अपन को देखने को मिल रहा है, तो मात्र सत्तात्मक समाज को सूचित करता है, या मात्र सत्तात्मक सभ्यता को यह सूचित करता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, मतलब वहां पर महिलाओं की प्रधानता थी। ठीक है, मतलब महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी खासी स्थिति थी कालीबंगा सभ्यता के अंदर, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वास्तु दोष को दूर करने हेतु स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वास्तु दोष को दूर करने हेतु। फिर सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी थी वो कौन थी, वो कालीबंगा सभ्यता थी। तीसरी राजधानी जैसे कि हड़प्पा हो गया, ठीक है, हड़प्पा के बाद मोहन जोदड़ो और उसके बाद कालीबंगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कोई तीसरी राजधानी थी तो वो थी कालीबंगा। ठीक है, किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये दशरथ शर्मा कहते हैं, जो इतिहासकार है दशरथ शर्मा, वो कहते हैं कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब कालीबंगा सभ्यता के अंदर व्यक्ति अपना अपना स्थान रखते थे, लेकिन उनमें से जो पुरोहित था उनका जो स्थान था वो प्रमुख था, मतलब एक शीर्ष लेवल पे स्थान था उनका पुरोहितों का, कि वही पूजा पाठ और अग्नि वेदिकाएं जैसे बलि प्रथा वगैरह में वही पूजा पाठ करवाते थे। पूजा पाठ नहीं, सॉरी, बलि प्रथा के अंदर अगर किसी का बलि प्रथा किसी प्रोसेस के किसी प्रक्रिया के दौरान अगर गुजरती थी तो उसके अंदर पुरोहित का स्थान ऊपर था। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध ये अपन को देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके समकालीन थी, और बेलनाकार बर्तन मिले मतलब व्यापार भी होता था। ठीक है, और इस व्यापारिक संबंध का कारण अपन को देखने को यह मिलता है। फिर सामूहिक तंदूर का प्रयोग करते थे। अब सामूहिक तंदूर का प्रयोग करने का मतलब यह है कि एक साथ भोज होता था, ठीक है, खाने का जो प्रोग्राम होता था वो एक साथ मिलकर करते थे, तो यह भी एक कारण है सामूहिक तंदूर मिलने का कालीबंगा सभ्यता के अंदर। फिर जो भवन थे यानी कि जो मकान थे उनका जो फर्श था वो सजावटी और अलंकृत जो सजावटी और अलंकृत होता था। ठीक है, जो मकान थे, ठीक है, और मकान का जो फर्श था वो सजावटी और अलंकृत अपन को देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये हमने देखा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। हमने क्या क्या देख लिया कालीबंगा के बारे में, हमने देखे कि इतिहास कितने भागों में बांटा गया, एक तो वो देखा हमने। उसके बाद देखा हमने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी उसके बारे में देख लिया कि किस नदी के किनारे वो विकसित हुई थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने देखी कि किसने इसकी जानकारी दी थी, बाद में किसने खोजकर्ता कौन थे इसके, किसने खोजकर्ता मतलब अमलानंद घोष थे 1952 के अंदर, और ये पहला पुरातात्विक स्थल था जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद होता है। फिर हमने इसकी विशेषताएं देख ली, ठीक है, कि क्या क्या विशेषताएं थी वो सारी हमने देखी। उसके बाद इसके अंदर हमने देखा कि समाधि प्रथा कौन कौन सी थी। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन कौन से चिन्ह अपन को मिलते हैं, किस प्रकार का जो शल्य चिकित्सा है वो क्यों, उसके प्रमाण क्या थे। ठीक है, खोपड़ी मिली है वो। फिर तीसरी राजधानी कालीबंगा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो में हमने देख लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आहार सभ्यता के बारे में। ठीक है, किस नदी के किनारे विकसित होती है, कौन सा जिला है, ठीक है, और उसकी सारी विशेषताएं हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।